नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबक्स, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में साहित्य की समाजशास्त्रीय दृष्टि का अध्ययन करेंगे। समकालीन साहित्य चिंतन में अनेक दृष्टियों का समन्वय मिलता है, तरह तरह के विचारकों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साहित्य और समाज के इस संबंध को लेकर के इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य की समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिचित हो सकेंगे, उसके प्रमुख चिंतकों की रचना दृष्टि से साक्षात्कार कर पाएंगे, आलोचना के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय दृष्टि का असर जानेंगे और आने वाले समय की आलोचना पर इस दृष्टि का प्रभाव जानेंगे। इस इकाई में साहित्य और कला में समाज के साथ जो रिश्ता है, इस रिश्ते की चर्चा बहुत दिनों से होती रही है और जब से साहित्य की आलोचना शुरू हुई है, काव्य शास्त्रीय चिंतन हुआ है, तब से साहित्य और समाज का रिश्ता है, इसे हम स्वीकार करते रहे। लेकिन इस रिश्ते को एक शास्त्रीय जामा पहना करके जो लोगों ने प्रस्तुत किया, विचारकों ने, ये 19वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ और ये भी अन्य अनेक दृष्टियों की तरह पश्चिम की देन है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहित्य की समाजशास्त्रीय अध्ययन दृष्टि है, ये पश्चिम से भारत में आई, या कहना चाहिए पश्चिम से हिंदी में आई और अब हिंदी की एक ये प्रमुख प्रवृत्ति है। पश्चिम में साहित्य के समाजशास्त्रीय आलोचना की शुरुआत का श्रेय फ्रांस की लेखिका मादाम स्टेल को जाता है। इस विषय पर उन्होंने सन 1800 में एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से साहित्य के जटिल संबंधों पर विचार किया। अपनी पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा, मैंने साहित्य पर धर्म, नैतिकता और कानून के प्रभाव और उन सब पर साहित्य के प्रभाव की जांच परख का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक के कई वर्षों बाद कामते का चिंतन आता है और कामते के चिंतन का प्रभाव बाद में तेन पर पड़ता है और तेन के कारण आगे चल करके ये साहित्य के समाजशास्त्रीय दृष्टि विकसित होती है। तेन ने कला का दर्शन नामक अपने ग्रंथ में समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धति को स्पष्ट किया और उन्होंने लिखा, मैंने जो पद्धति अपनाई है वे अब सभी विज्ञानों में चल रही है। उनके अनुसार सभी मानवीय उत्पादन और कलात्मक उत्पादन तथ्य और घटनाएं हैं जिनकी विशेषताओं की पहचान और कारणों की खोज आवश्यक है, इससे अधिक कुछ नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि न तो किसी की निंदा करती है न प्रशंसा, वे विशेषता बताती है और व्याख्या करती है। वे ये नहीं कहती कि डच कला बहुत भद्दी है इसलिए उसे मत देखो और इटली की कला से प्रेम करो, ये साहित्य के समाजशास्त्री का काम नहीं है। तेन ने अंग्रेजी साहित्य का इतिहास लिखते हुए अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा कि कोई कृति न तो एक व्यक्ति की कल्पना की कीड़ा है न किसी उत्तेजित मन की भटकी हुई अकेली तरंग, वह तो समकालीन रीति रिवाजों का पुनर्लेखन है और नए ढंग से समाज को जी करके हमारे सामने रखता है। हम उन महान रचनाओं से जान सकते हैं कि किसी समय और समाज में मनुष्य कैसे सोचता था, विचार करता था। आज हमारे पास में मनुष्य के सोचने का, प्रेमचंद के ज़माने में ही लोग क्या सोचते थे, अंग्रेज़ों के बारे में आम जनता की क्या धारणाएं थी, आज हमारे पास जानने का जो सबसे अच्छा माध्यम अभी भी है तो वो प्रेमचंद की रचनाएं। तो साहित्य के माध्यम से हम इस चीज़ को जानते हैं, अन्यथा हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि इतिहास में घटनाएँ और तथ्य के अलावा सब कुछ काल्पनिक है और साहित्य में घटनाओं और तथ्य के अलावा बाकी सब कुछ सच है। तो ये जो साहित्य और में समाज का जो रिश्ता है, इसके मूल में, शुरुआत में हम देखते हैं कि तेन की ये मान्यताएं आती। इस क्रम में तेन ने समाजशास्त्रीय आलोचना के चार पक्ष उद्घाटित किए। पहला, साहित्य के भौतिक सामाजिक मूल आधार की खोज। दूसरा, लेखक के व्यक्तित्व का विश्लेषण। तीसरा, साहित्य में समाज के प्रतिबिंब की व्याख्या। और चौथा, साहित्य का पाठक से संबंध। ये कार्य तेन ने किया। उसके बाद फ्रांस के रोबेरो स्कार्पी ने साहित्य के रचना और पाठक के अंतः संबंध को लेकर के व्याख्याएं की और कहा कि किस तरह से पाठक बाजार में कृति पाठकों के पास जाती, बाजार में जाती, और उसके बाद में रचना का जो पूरा संबंध है, एक सामाजिक संबंधों के भीतर कृति आ जाती है और उस कृति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस सब का विश्लेषण ये समाजशास्त्रीय अध्ययन में होता।
अब साहित्य की समाजशास्त्री दृष्टि का आशय क्या है और उसकी व्याख्या की प्रक्रिया क्या है, इसे हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर यह देखना है कि साहित्य का समाजशास्त्र सिर्फ साहित्य की साहित्यिकता का प्रश्न नहीं है, वरन साहित्य की सामाजिकता का प्रश्न भी। उस सामाजिकता की मीमांसा करने की जरूरत है। साहित्य में किसी रचना के दो पक्ष होते हैं, जैसा आप जानते हैं। एक पक्ष रचनाकार की प्रतिभा का परिचय देता है और दूसरा पक्ष जो उसके अनुभव का पता देता है। अब रचना में ये दोनों संश्लिष्ट होते हुए भी इस अर्थ में विशिष्ट होते हैं कि एक का श्रेय व्यक्ति को दिया जाता है, दूसरे को समाज का। अब व्यक्ति चाहे कितना ही मौलिक हो, कितना ही प्रतिभाशाली हो, उसको जो भी अनुभव मिलेंगे वो समाज से मिलेंगे, और वो जो कुछ सोचेगा वो समाज के मार्फत ही सोचेगा। इसलिए उसकी वैयक्तिक प्रतिभा के लिए बहुत कम जगह बचती है कि मैंने अकेले ने किया या मैं अकेला किया या एक व्यक्ति का ये देन नहीं है। अगर मान लीजिए आप किसी भी बड़ी रचना को देखें, क्लासिक रचना में पूरे समाज की सामूहिकता अभिव्यक्त होती है। इसलिए अनुभव समाज का होता है और बाकी जो है उसका जो कल्पना है, जो प्रतिभा है, वो रचनाकार की है जो उसको शब्द देता है। साहित्य के और समाज का जब रिश्ते की हम बात करते हैं तो जो चीज़ और हमारे सामने आती, दो शब्द और आते हैं, आदर्श और यथार्थ। और कभी कभी माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन होता यह है कि आपकी जो कल्पना है या आपका जो आदर्श है, वो आदर्श भी, आपकी वो कल्पना भी यथार्थ से ही उत्पन्न होती है। इसलिए वो कल्पना यथार्थ विरोधी नहीं होती, यथार्थ से ऊपर उठती है और यथार्थ का पुनर्सृजन करती है। इसलिए ये जो यथार्थ और कल्पना है, ये एक तरह से अंतर्ग्रथित होती है और इसको जोड़ने का काम साहित्य का समाजशास्त्र करता है। वो ये नहीं कहता कि आपने एक बड़ी कल्पना की, या जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला ने शक्ति की मौलिक कल्पना की, लेकिन ये कल्पना भी पिछले सारे अनुभवों से पैदा होती और इसलिए अनुभवों का पुनर्निर्माण भी करती। तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें राम का आदर्श रूप समाज के सामंती संरचना के यथार्थ रूप से संदर्भित है। इसी तरह मैथिलीकरण गुप्त के साकेत के राम का आदर्श रूप राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में आया। इन दोनों का संदर्भ राम, राज्य व्यवस्था और पूरा सामंती संयुक्त परिवार का समाज है, वो राम के माध्यम से अभिव्यक्त होता। और मैथिलीकरण गुप्त के जो राम है, उस राम का संबंध कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन से है। कल्पना एक सृजनात्मक शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो यथार्थ का पुनर्सृजन करती है और यथार्थ का पुनर्सृजन भी हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप यथार्थ का पुनर्सृजन एक तरफ से करते हो, दूसरा दूसरे तरह से करता है। उसी यथार्थ को रामचंद्र शुक्ल ने भी अभिव्यक्त किया, प्रेमचंद ने भी अभिव्यक्त किया और प्रसाद ने भी किया, और सब ने अलग अलग तरीके से किया। जीवन वही था, यथार्थ वही था, लेकिन उसका जो पुनर्सृजन होता है वो पुनर्सृजन अलग अलग तरीके से रहता। तो कल्पना ही हर रचना में मौलिकता की सृष्टि करती है, पर मौलिकता के भी सामाजिक अभिप्राय होते हैं। कल्पना की मौलिकता के सामाजिक अभिप्रायों का अध्ययन साहित्य के समाजशास्त्रीय दृष्टि में किया जाता है। पश्चिमी चिंतकों में सी राइट मिल और रिचर्ड होगार्ट ने कल्पना की सामाजिकता पर बहुत विस्तार से काम किया कि किस तरह से समाज जो है वो कल्पना के अंदर आता है। रिचर्ड मिल्स ने लिखा, कल्पना ऐसी मनशक्ति है जिसकी सक्रियता के मूल में व्यक्ति की सामाजिक और ऐतिहासिक अर्थवत्ता की खोज की प्रेरणा रहती है। रिचर्ड होगार्ट ने लिखा, जिसे हम रचनाकार की कल्पना या अंतर्दृष्टि कहते हैं, वे समाज की उसकी समझ का ही पर्याय। अगर साहित्यिक कल्पना समाज के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देती है तो उसके महत्व को केवल साहित्यिक मूल्यों के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस कल्पना का सिर्फ साहित्यिक महत्व ही नहीं है, इस कल्पना का एक तरह का सामाजिक महत्व है और इस समाज के संदर्भ में ही हम साहित्य को समझ सकते हैं। भले ही वो वैयक्तिक भावों को, काल्पनिक भावों को और मासूम मानवीय भावों की अभिव्यक्ति कर रहा हो, उसका भी एक सामाजिक संदर्भ है। प्रसाद की कामायनी का मनु जिस तरह से सोचता है, जिस आत्मविस्तार की जो बात करता है, और राज्य में जो विध्वंस होता है उसकी जो परेशानी, उसका जो वर्णन करता है, ये सारा का सारा चिंतन किसी समाज से आया है और प्रसाद जी अपने आप लेकर के नहीं आए। अब देखें कि समाजशास्त्र और साहित्य का समाजशास्त्र, अब इन दोनों का रिश्ता क्या है और किस तरह से देखते हैं। समाजशास्त्र का भी जो अध्ययन और विकास है वो पश्चिम से आया,
ये बाद में चल करके एक समाजशास्त्र नाम का एक शास्त्र विकसित हो गया, पहले समाजशास्त्र था ही नहीं, दूसरे दूसरे डिसिप्लिन हमारे यहाँ थे। तो एक चीज़ इसके माध्यम से देखना चाहते हैं कि साहित्य के माध्यम से अगर आप समाज को जानना चाहते हो तो साहित्य हुआ संदर्भ, और उसमें आए हुए संदर्भों से हमें समाज के बारे में पता चलता है। हम प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं और फिर पढ़ करके हम ये पता लगाते हैं कि उस समय का जमींदार अंग्रेज़ों के साथ में उसका रिश्ता कैसा था और भारत के किसानों के साथ कैसा रिश्ता था। तो हमारा जो केंद्र है, हम जिसको जानना चाहते हैं, वो उस समय का समाज है और उस समाज के अंदर वो साहित्य हमें सहायता करता है। इसी तरह हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कहते हैं उस जमाने 16वीं शताब्दी में राजा कैसा होता था, राज दरबार कैसा होता था, या राजा प्रजा का रिश्ता कैसा होता था, अच्छा रिश्ता कैसा होता था, खराब रिश्ता कैसा होता था। तो हम रामचरितमानस के पन्ने उलटते हैं तब हमको उस समय की समाज व्यवस्था के बारे में पता चलता। ये साहित्य के साहित्य का की दृष्टि नहीं है, इससे हम समाजशास्त्र ही जानना चाहते हैं। समाजशास्त्र में को जानने के लिए हमारे पास जो और अनेक संदर्भ हैं उसी तरह साहित्य की एक संदर्भ है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि होती है कि हम समाजशास्त्र के माध्यम से साहित्य को देखें, हम समाज के जीवन के माध्यम से साहित्य को समझें। क्यों अंधेरे में का नायक एक तरह से व्यवहार करता है, क्यों मनु का जो व्यक्तित्व है, जो प्रसाद जी ने उस व्यक्तित्व को गढ़ा, उसके मूल में कौन सी भावना है, क्यों क्या कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की जटिलता समाज के किस हिस्से से आई है, कहाँ से वो जाति प्रथा आई है। जाति प्रथा का जो भाव हमारे साहित्य में मिलता है वो यूरोपीय साहित्य में नहीं मिलता, इसलिए वो संदर्भ है। उस संदर्भ के माध्यम से हम हमारे पात्रों की जटिलताओं को समझते हैं कि ये जटिलताएं हमारे समाज से आई है, और इस सामाजिक जटिलता के माध्यम से जो पात्र हैं उसके व्यक्तित्व को समझते हैं, माने हम उसे साहित्य को समझते हैं। ये जो दृष्टि है ये दूसरी दृष्टि है, इसमें हम समाज के माध्यम से साहित्य को समझते हैं, उसमें हम साहित्य के माध्यम से समाज को सकते हैं। ये एक दृष्टि साहित्यिक दृष्टि है, दूसरी दृष्टि समाजशास्त्री दृष्टि। साहित्य के समाजशास्त्र में साहित्य एक सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करता है, सिर्फ एक कृति नहीं है, एक रचना नहीं, वो भी एक तरह की संस्था है। और इस संस्था के रूप में साहित्य का विवेचन करने वाले पश्चिमी विद्वानों में हैरी लेविन, एच डी डंकन, पियरे बोर्दिए और सी ए वान रीस आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। हैरी लेविन के अनुसार अन्य संस्थाओं के समान ही साहित्य भी मानव अनुभव की अद्वितीय अवस्था के भीतर संजोए हुए। साहित्य नाम की संस्था अपने एक निजी स्वरूप से पहचान में आती है, लेकिन जैसे समाज नाम की संस्था अपने स्वरूप में विकासशील होती है, वैसे ही साहित्य भी विकासशील होता है। एस डी डंकन का कहना है कि लेखक, आलोचक और पाठक तीनों के पारस्परिक संबंध से साहित्य संस्था का रूप ले लेता। फ्रांसीसी विद्वान पियरे बोर्दिए ने साहित्य को संस्था के रूप में महत्व दिलाने में शिक्षा संस्थानों और आलोचना के योगदान की चर्चा की। सी जे वान रीस ने तो आलोचना को भी एक संस्था ही माना। उनके मतानुसार आलोचना एक संस्था के रूप में किसी कृति को साहित्य होने की सनद देती है, उसी से कृति की साहित्यिकता का प्रमाण मिलता है। समाजशास्त्रीय आलोचना का जो अगला विकास है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल में हुआ। फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोगों ने मार्क्सवाद से सहायता ली और कुछ नया चिंतन विकसित किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे वो शुद्ध तकनीकी अर्थों में मार्क्सवादी नहीं थे। इन लोगों में अडोर्नो, वाल्टर बेंजामिन, हर्बर्ट मार्कुस, लियो लेवेंथाल आदि मुख्य। इसी परंपरा में आगे चलकर लूसिए गोल्डमैन हुए और उन्होंने उपन्यास के आलोचना की नई पद्धति विकसित की। तो ये जो साहित्य के को संस्था के रूप में मानने वाले विचारक थे। अब इस साहित्य का समाजशास्त्र की मूल मान्यताएं क्या ये बेसिकली मानते हैं। मैनेजर पांडे ने अपनी पुस्तक साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका में लिखा है कि साहित्य के समाजशास्त्र में तीन दृष्टियां सक्रिय, जिनका लक्ष्य है, नंबर एक, साहित्य में समाज की खोज, दूसरा, समाज में साहित्य की सत्ता और साहित्यकार की स्थिति का विवेचन, और तीसरा, साहित्य और पाठक के संबंध का विश्लेषण। अब ये जो तीन तत्व हैं, ये तीनों तत्व साहित्य का समाजशास्त्र का विश्लेषण करता है। भ्रमर गीत में गोपियाँ और उद्धव का संवाद होता है,
या तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य और कलयुग की परिकल्पना हमारे सामने आती है। इनके भीतर समाज बोलता, ये सिर्फ इनके व्यक्तिगत बहस नहीं है, व्यक्तिगत बातचीत इनकी नहीं होती। गोपियाँ और उद्धव का जो संवाद है, उस संवाद में बहुत सारे बिंदु हमें समाज के आते हैं। ये मथुरा कागज़ की कोठरी, इसमें से जो भी आता वही काला, या इसी तरह से जो है तुम्हारे अधिक गाय हैं इसलिए तुम जो है इतने ज़ोर से बोलते हो। तो ये एक तरह का संपत्ति का, एक दूसरी चीज़ों का इनका इनका वर्णन आपको मिलता है। या गोपियाँ कहती हैं, हम अहीर दूध दही बेचने वाली, हमको तुम्हारे शास्त्र का कुछ भी पता नहीं। तो एक तरह का जो सामाजिक परिवेश है, वो सामाजिक परिवेश इनके माध्यम से अव्यक्त होता। इसलिए साहित्यिक कृति का सृजन किसी रचनाकार की प्रतिभा से नहीं होता। सिर्फ एक लेखक घर बैठा रहे, अगर किसी लेखक को बिल्कुल बिठा दिया जाए अंधेरे बंद कमरे में, कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए, शुरू से बंद कर दिया जाए, तो कभी कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं लिख सकता। वो समाज के अंदर घूमता फिरता है, लोगों को जानता है, उनके बारे में अपनी राय रखता है, उस राय से उसके पाठ का निर्माण होता है। इसलिए पाठ का निर्माण सिर्फ लेखक नहीं करता, कुछ चीज़ें पहले से निश्चित होती, उसी के भीतर लेखक रचना करता है। ये रचना उसे समाज से मिलती है। जैसे संगीत का आप लेते हैं, तो संगीत में तबला पहले से ही है और तबला के बोल भी तय है। अब आपको तबला बजाना है और उसके बोल तय है, उसी के अंदर से आपको संगीत की ध्वनि निकलनी है, उसी के भीतर से आपको कला प्रस्तुत करनी। ये जो माध्यम है ये उस रचना को प्रभावित करता है। इसी तरह से साहित्य का माध्यम भाषा है, और भाषा ये तय करती है कि आप कैसे लिखोगे। और भाषा आपकी नहीं है, भाषा किसी व्यक्ति ने पैदा नहीं की, भाषा व्यक्ति को समाज देता है। तुलसीदास ने या सूरदास ने बहुत महान रचनाएं की, लेकिन उन्होंने अवधि भाषा पैदा नहीं की, या सूरदास ने ब्रज भाषा पैदा नहीं की। उन्होंने भाषा को विकसित किया, उन्होंने भाषा को नया रूप दिया, लेकिन उन्होंने समाज की जो पिछली जो पूर्व परंपरा की जो भाषा थी उस भाषा का इस्तेमाल किया और तब जाके उसी में अपने साहित्य की रचना की। और इसके लिए वो कहते हैं कि रचना करने के बाद प्रत्येक कृति रचनाकार से स्वतंत्र हो जाती है। इसलिए उस पाठ को हर बार पढ़ना पुनः सृजन जैसा होता है। जो कोई नया पाठक उस पाठ को पढ़ता है, जब किसी रचना को पढ़ता है, तो पढ़ करके उसमें से निकाल, जैसे तुलसीदास ने नाना पुराण निगमों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के उपरांत उन्होंने एक कथा गढ़ी, वो उन पुराण निगमागमों का अध्ययन का ही फल है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जब लिख दी तो उसके बाद में जो इतने वर्षों से जो रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसके कारण रामचरितमानस आज वही नहीं है, उसका पाठ बदल गया। और ये जो परिवर्तन है ये लेखक नहीं करता। और इसलिए साहित्य का समाजशास्त्र के विद्वानों का विचार है कि रचना में रचनाकार का नाम काम चलाऊ होता है, शुरुआत की उसने और उसके बाद में जो उसका अर्थ है वो विकसित होता रहता है। और ये जो विकसित अर्थ है ये समाज विकसित करता है। राम कथा को ही लें तो तुलसीदास ने जो राम कथा में बहुत सारी नई अवधारणा की, सही है, लेकिन राम कथा पहले से प्रचलित है, वाल्मीकि के समाने से, उससे भी पहले से, तो उस कथा में किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी तरह पात्रों का चरित्र भी निश्चित है पहले से ही। राम के व्यक्तित्व को आप कुटिल नहीं बना सकते, रावण के व्यक्तित्व को आप नहीं बदल सकते, जिनकी जो सीता का व्यक्तित्व ऐसा ही रहेगा, हनुमान उसी तरह से रहेंगे। अब इन सारे पात्रों के भीतर ही आपको अपनी बात कहनी है, तब लेखक की सृजनात्मकता के लिए कितनी जगह बचती है। राम वही, लक्ष्मण वही, सीता वही, सारे पात्र दशरथ वही, घटनाएं वही, और उसके भीतर से उनका चरित्र वही, और तब आप नई बात कहते हो तो वो कहाँ से बात कहते हो। आप तो राम कथा ही कह रहे हो, राम कथा युगों से कही जा रही है, तो आप में आपने जो नया जोड़ा वो कितना नया जोड़ा। और महाकाव्यों की वर्णन शैली निश्चित होती है, इस तरह से आप वर्णन करोगे, वर्णन की पद्धति निश्चित होती है, अलंकार निश्चित होते हैं, भाषा निश्चित होती है, इन सारी चीज़ें, और वो सब चीज़ें समाज से आती, माने लेखक से इतर है कोई संस्था है, व्यक्ति है, जिससे हमको वो चीज़ें मिलती है और उसी का हमको पुनर्कथन करना। अगर आप प्रेमचंद का उदाहरण भी लें तो प्रेमचंद ने भी भारतीय किसान का वर्णन किया, तो भारत में वो किसान था। प्रेमचंद ने होरी को पैदा नहीं किया, होरी उस जमाने में समाज में था और उसी की कहानी उन्होंने कही। धनिया उस जमाने में थी, 21वीं शताब्दी में आप धनिया की उस रूप में चित्रित नहीं कर सकते, क्योंकि समाज बदल चुका।
जब समाज बदल जाता है तब रचना का वस्तु तत्व भी बदल जाता है, उसके पात्रों का चरित्र बदल जाता है। पात्रों का चरित्र किसने बदला? अगर आप बहुत प्रतिभाशाली हो तो आप बदलो, लेकिन आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो आपका जो ट्रेंड, आपका जो तरीका चला आ रहा है परंपरा से, आपको उसी के भीतर काम करना। इसलिए हम कहते हैं कि जो साहित्यिक सृजन है वो रहस्यमय क्रिया नहीं है। एकाएक कुछ इल्हाम हुआ और एकदम से मन में आया और वो विचार जो है कविता में आ गई, ये जो है एक निर्माण है, ये जो है उतना सृजन भी नहीं है। आपकी मेहनत है और आप उस मेहनत के द्वारा आप उसका वर्णन करते हैं और इसलिए ये समाजशास्त्रीय अध्ययन की परिधि में आता है। ये मौलिकता भी बहुत कुछ मेहनत का फल है। फिर दूसरी बात, आपका जो पाठक है वो आपकी कृति तय करता है। मान लीजिए आप अपट गंवार लोगों को संबोधित करते हो, मूर्खतापूर्ण लोगों को संबोधित करते हो तो आपका स्तर बदल जाता है। मान लीजिए आप बड़े लोगों को ही कर रहे हो, मान लीजिए आपने बच्चों को संबोधित किया, तो अगर आप बच्चों को संबोधित करोगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी, आप बड़ों को संबोधित करोगे तो बदल जाएगी, विद्वानों की गोष्ठी में आप वही बात कहोगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी। तो आपकी भाषा में, आपके तर्क में और आपके इमेजिनेशन में जो बातें आपकी बदलती है वो आपके पाठक से बदलती है, आपके श्रोता से बदलती है। आपका जो श्रोता बदला तो उस रचना का अर्थ भी बदल गया। आपने जिस व्यक्ति को संबोधित किया था वो व्यक्ति गायब हो गया, समाज में, इतिहास में समाप्त हो गया, आपकी कृति जिंदा। अब जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो दूसरा, तो वो उसमें से एक दूसरा अर्थ निकालेगा। और इसलिए सब समाजशास्त्री अध्ययन की परिधि में आता है और इस परिधि के कारण लेखक के पास में अद्वितीयता का बहुत कम गुंजाइश रहती है और इसलिए इसको समाजशास्त्री अध्ययन पद्धति के भीतर रखा जाना चाहिए। ऐसा साहित्य के समाजशास्त्री लोगों का विचार है। अब ऐसा भी माना जाता है कि जो साहित्य की विषय वस्तु है वो लेखक की कल्पना से आती है। अब ये लेखक की कल्पना भी कितनी गहरी होगी। अब लेखक की कल्पना का संबंध भी समाज से होता है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, यूनान के में ट्रेजडी लिखी जाती थी, तो यूनान के जितने लेखक हुए वो सब ने महान महान ट्रेजडी लिखी। और भारत में हम ट्रेजडी में विश्वास नहीं करते। भारतीय साहित्य में ये माना जाता है कि अंत भला सो सब भला, बीच में अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है नायक, बहुत सारी परेशानियाँ पीड़ा होती है, लगता है कि अब कुछ होगा नहीं, लेकिन अंत में मिलन हो जाता। ये अंत में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो जाता है और अंत भला सो सब भला, ये भारतीय चिंतन की एक विशेषता है जिसके कारण भारत में ट्रेजडी का सृजन नहीं हुआ। क्या भारत के लोग कम प्रतिभाशाली थे? क्या यूरोपीय ऐसा नहीं कर सकते थे? लेकिन यूरोपीय समाज ऐसा मानता था कि ये ट्रेजडी के लिए उचित पात्र है, और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि नहीं, अंत में तो मिलना ही चाहिए। इसलिए जब दूसरे लोगों ने भी कृति लिखी, मसलन जायसी ने पद्मावती लिखा, तो रतन सेन और पद्मावती अंत में मिल जाते हैं। बहुत परेशानी होती है रतन सेन को, बहुत कष्ट उठाता, लेकिन अंत में मिल जाता। और जहाँ नहीं मिलता वहाँ पर दिक्कत होती है। प्रेमचंद के में आप कह सकते हैं कि होरी की मृत्यु हो जाती है, तो होरी की मृत्यु क्यों दिखाई? तो प्रेमचंद तो ये मानते थे कि इसमें तो इसकी मृत्यु होगी ही होगी, क्योंकि इसका नाम ही गोदान है। और कामायनी का जो लेखक है उसने क्यों नहीं किसान की कल्पना की? वो भी लिख देता किसानों के बारे में, वो क्यों नहीं लिख पाया? प्रेमचंद गांव से जुड़े हुए थे इसलिए उन्होंने लिख दिया। प्रसाद जी तो गांव कभी गए नहीं थे, जिन्होंने कभी गांव देखा ही नहीं वो गांव का चित्रण कैसे करेगा? इसलिए जो कथ्य है वो कथ्य भी उसी से आता। मीरा कृष्ण से बहुत अगाध विश्वास करती थी। मीरा को हर बार लगता था कि मारे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई भगवान आएंगे और दर्शन देंगे और मुझे जो है ऐसे ऐसे मिलेंगे। लेकिन पूरे इस विश्वास के बावजूद मीरा को कभी कृष्ण नहीं मिले, या कि मीरा ने कभी ये नहीं लिखा कि मुझे कृष्ण मिले। वो कहते हैं सपने में दर्शन दिया भगवान ने मेरे को, सपने में तो आए लेकिन यथार्थ जीवन में ईश्वर का दर्शन मीरा को नहीं हुआ। अब ये जो इतनी सी पेच रह गया, ये कहाँ से आया? ये पेच समाज से आया। और चूंकि मीरा सत्य की अभिव्यक्ति करती है, जो वो अनुभव कर रही थी उसकी अभिव्यक्ति करती है, और वो जो अनुभव है वो उसका सामाजिक अनुभव था। इसी तरह से असहयोग आंदोलन में ये हुआ कि ये जो भारतीय है, भारतीयों के हितैषी अंग्रेज नहीं है बल्कि अंग्रेज हमारे शत्रु है, ये एक समझ थी। ये समझ असहयोग आंदोलन से आई। असहयोग आंदोलन के पहले प्रेमचंद लिखते थे कि अंग्रेज अफसर फिर भी अच्छे हैं, वो उनको डर भय नहीं होता,
लेकिन ये जो हमारे जो भारतीय अफसर होते हैं ये अच्छे नहीं होते, ये जो है एक तो जमींदार होते हैं और जमींदारों का ही पक्ष लेते हैं और किसानों का कोई पक्ष नहीं लेते और अंग्रेज़ जो है न्याय करते हैं, ये उन्होंने सेवा सदन में लिखा, नहीं प्रेमाश्रम में लिखा। लेकिन जब एक समाज में परिवर्तन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, उस असहयोग आंदोलन के बाद में ये समझ में आया कि ये अंग्रेज़ भारत के शत्रु हैं। ये प्रेमचंद को जो रंगभूमि में ये समझ प्रेमचंद की जो दिखाई देती है ये अपनी बुद्धि से नहीं आई, अपना एकदम उनको कोई ज्ञान एकदम से नहीं आ गया, बल्कि उस सारे समाज के जो राजनीतिक आंदोलन हमारे देश में था, स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश में हुआ और उसमें गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया, उस असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेज़ भी हमारे समझ में आए और जमींदार भी हमारे समझ में आए। और इसलिए असहयोग आंदोलन के बाद प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जमींदार तो अंग्रेज़ों की आड़ है और वो अंग्रेज़ों के ही अनुसार चलते हैं। तो ये जो समझ है ये समझ समाज से आई और ये समझ भले ही प्रेमचंद ने अभ्यक्त की लेकिन प्रेमचंद को ये जो समझ है वो सामाजिक आंदोलन दी। इसी तरह दलित लेखकों की जो आत्मकथाएं हैं वो उनके अपने जीवन की सच्चाई है, उन्होंने कल्पना नहीं की, वो उन्होंने जिया। क्यों वो कहते हैं कि कोई भी सवर्ण व्यक्ति वो आत्मकथा दलितों का साहित्य नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने उस पीड़ा को अनुभव ही नहीं किया। तो वो जो अनुभव करने की जो पीड़ा है वो उनके समाज से आती है, इसलिए समाज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि समाज में कलाकार की बदलती हुई स्थितियों का विवेचन पहले कला के इतिहास के अंतर्गत होता था। यूरोपीय समाज के विकास के साथ कला के इतिहास का इतिहास लिखने वालों ने यह किया। अर्नोल्ड हाउजर ने कला का सामाजिक इतिहास नामक विशाल ग्रंथ लिखा। उसके चार खंडों में विभिन्न कालों और समाज व्यवस्थाओं में कलाकारों की बदलती सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण। समाजशास्त्रीय दृष्टि से कलाकारों और साहित्यकारों की सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण 20वीं शताब्दी में हुआ। यही पूंजीवादी समाज में कलाकारों और साहित्यकारों की जटिल त्रासित स्थितियों को समझने के प्रयत्न का परिणाम है। वैसे स्वतंत्र कलाकार या साहित्यकार की धारणा भी आधुनिक युग की ही देन है। कलाकार काम क्या करता है, अब इसको अगर आप देखें, रीतिकाल का जो कवि था, रीतिकाल का कवि दरबार में रहता था, दरबार के अंदर राजा के को प्रसन्न करने वाले विलासितापूर्ण आपको वक्तव्य देने थे, उनको आपको खुश करना था, तो आप उस तरह की कविताएं लिखे। भक्तिकाल के अंदर कवि राज दरबार में नहीं रहता था, वो तो गांव के अंदर रहता था, मठ में रहता था, दूसरी जगह पर बैठा रहता था, सब जनता से मिलता जुलता था, तो उसमें राजा का कोई भय नहीं है। कागज़ का मानस किया छत्रपति सिरमौर, ये तो कागज़ के मनुष्य है, ये क्या कर लेंगे हमारे, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे जो ये भक्तजन हैं, हमारे इस सत्संग में बैठने वाले जो लोग हैं, ये जब हमको सुनते हैं तो हमें इसके अनुभव की बात करते हैं, इसलिए वहाँ से वो हटे। उसके बाद आप जब शिक्षा आई और जो नौकरी करने लगे, विश्वविद्यालय के अंदर आ गए, लेखक या और मीडिया के अंदर आ गए, पत्रकारों के अंदर आ गए, तो लेखक की जब सामाजिक स्थिति बदली तो उसका कृतित्व भी बदला। तो इसका अध्ययन साहित्य की समाजशास्त्रीय दृष्टि में होता है कि क्यों कोई कलाकार एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के हमारे सामने आता। अगर वो दृष्टिकोण उसका है तो वो उसका सामाजिक स्थिति से तय होता है और साहित्य का समाजशास्त्र इसका अध्ययन करता। अब लेखक मान लीजिए रचना करता, तो रचना क्यों करता, लिख करके वो डायरी तो है नहीं कि शाम को जाके या दूसरे दिन या 20 साल बाद उसे पढ़ेगा। आधुनिक युग में लेखक ये चाहता है कि मैंने जो लिखा है उसको आप पढ़ो, तो हम आपसे स्वीकृति चाहते हैं। आप ये कहेंगे कि साहब बहुत अच्छा आपने लिखा है तो वही मेरा संतोष है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब बिके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब के पाठक हों। और जिस किताब के जितने ज़्यादा पाठक होते हैं वो लेखक उतना बड़ा हो जाता, वो कृति उतनी बड़ी हो जाती। तो लेखक ये जो पाठक है, ये पाठक कृति के महत्व को कैसे तय कर देते हैं, आप ही आलोचना ही तय कर देती, लेकिन आलोचना से सिर्फ से तय नहीं होता, पाठक तय करता। और सबसे पहली बात तो ये कि आप रचना ही दूसरे के लिए करते हो। आप कबीर दास की आप मान लीजिए वाणी आप सुनते हो, तुलसीदास को सुनते हो, मीरा को सुनते हो, या जो भी निर्गुण संतों को सुनते हो, ये अपने सामने बैठे हुए श्रोताओं को संबोधित करते हैं, वो उनको उपदेश देते हैं, वो उनको सिखाते हैं कि तुमको ऐसा रहना चाहिए ऐसा रहना चाहिए। भाई क्यों सिखा रहे हो, आपको क्या करना है इनसे, कहा नहीं मैं हम ये चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो जीवन में वो दुख न उठाएं। और इसलिए वो कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो आपको क्या जागो और रो, क्यों रो रहे हो आप।
तो जो भी सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं वो उपदेश देते हैं, वो सिखाते हैं, वो समझाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे अलग एक कोई व्यक्ति होता है जिसके लिए आप रचना कर रहे होते हो, और वो व्यक्ति आपके कृति का भविष्य तय करता है। और इसीलिए पाठक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी रचना को, और पाठक लेखक की प्रतिभा से पैदा नहीं होता, पाठक एक तरह का समाज है। तो लेखक द्वारा पैदा नहीं होता, लेखक अपने पाठकों का निर्माण कर सकता है और करता है। देवकी नंदन खत्री के जब उपन्यास सामने आए तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, या प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ करके एक नए प्रकार के पाठक का निर्माण हुआ। अज्ञेय ने भी कहा कि मैंने एक ग्रहिता समाज का निर्माण किया जो बाद में दूसरे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ी। तो अज्ञेय ने जिस पाठक का निर्माण किया, या देवकी नंदन खत्री ने जिस पाठक का निर्माण किया, प्रेमचंद ने जिस पाठक समुदाय का निर्माण किया, वो दूसरे रचनाकारों के भी काम आया। तो वो दूसरे रचनाकारों के काम आया, इसका मतलब ये कि पहले से जो उपलब्ध पाठक है वो पाठक महत्वपूर्ण है और वही कृति को महत्व देता है। आज के ज़माने में आपने किताब लिखी और वो प्रकाशित नहीं की तो उस किताब का कोई महत्व नहीं। इसलिए लेखक इस प्रयास में रहता है कि प्रकाशक मिले, उसको अच्छा प्रकाशक मिले, उसका अच्छा वितरण हो, लोग उसको अच्छी तरह से जाने, तब कृति पाठकों के बीच में चर्चा के केंद्र में आती। इसलिए जिस कृति की पाठकों के बीच में, आलोचकों के बीच में, साहित्यिक संसार के बीच में चर्चा नहीं होती, वो कृति कुल मिला करके गुम हो जाती। इसलिए ये पाठक महत्वपूर्ण है रचना के स्तर पर। दूसरी बात यह है कि जब वो पाठक बदलता है या दूसरे तरह के पाठक आते हैं, कृति 400 साल पहले की है और पाठक अब आया, तो वो उसके अंदर एक नया अर्थ ढूंढ लेता। जैसे एक अज्ञात हिंदू स्त्री की एक पुस्तक है जो वर्षों बाद में अब प्रकाशित हुई। अब जब नया स्त्री विमर्श हुआ और इस स्त्री विमर्श ने स्त्री की पीड़ा की अभिव्यक्ति करनी शुरू की, तब उस किताब का महत्व एकाएक बढ़ गया। या इसी तरह शिवरानी देवी की कहानियों का भी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि स्त्रीवादी आलोचकों ने कहा कि नहीं, शिवरानी देवी एक अलग तरह की लेखिका बड़ी है, उन प्रेमचंद ने उनकी रचनाएं नहीं लिखी, वो स्वयं उसका व्यक्तित्व तो बोलता। तो ये जो एक विमर्श आता है, एक चिंता आती है आधुनिक युग की, तो पुराने साहित्य को भी वो नए ढंग से पढ़ता है। स्वयं कबीर के बारे में महत्व तो बढ़ा, जब दलित लेखक बहुत सारे आए तो कबीर का महत्व तो अलग तरह से बढ़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भले ही कितना ही महत्व तो किया हो, लेकिन बाद में अगर दलित साहित्य का विकास नहीं हुआ होता तो कबीर इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, रैदास इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, दादू इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। तो ये जो नया महत्व किसी रचनाकार को मिलता है वो उन पाठकों के द्वारा मिलता है, और पाठकों ने अगर आपको निरस्त कर दिया कि रीतिकाल का साहित्य तो बेकार है, हमको उसको नहीं पढ़ना, तो वो साहित्य जो राजाओं में एक एक अशरफी बिहारी को मिला करती थी, जब एक वो दुआ सुनाता था तो जयपुर के राजा उसको पुरस्कार में देते थे, आज कोई नहीं पढ़ता, कहा नहीं हमको अब नहीं पढ़ना उसको। अगर आपकी कृति का पाठक नहीं है तो कृति का कलात्मक मूल्य भी घट जाता, और ये जो घटत बढ़त होती है साहित्य के भीतर, ये पाठकों द्वारा की हुई होती है, और जब पाठकों द्वारा की हुई होती है तब ये एक सामाजिक होती है, और तब उसका लेखक से उतना कोई संबंध नहीं होता, उसमें लेखक बहुत कुछ उसमें कुछ करने की पोजिशन में नहीं होता। अब साहित्य के समाजशास्त्र में पाठक का महत्व स्वीकार करने का अर्थ हुआ कि साहित्य के उत्पादन से आगे बढ़कर उसके उपभोग पर ध्यान केंद्रित करना, उत्पादन की परिस्थितियों के बदले उपभोग की स्थितियों का विवेचन करना, ये साहित्य की सामाजिकता की पहचान के लिए पाठक समुदाय के बीच साहित्य की सत्ता और महत्ता के विवेचन की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पाठक द्वारा कृति का चयन, चयन के कारण, उसकी मानसिकता, कृति का बोध, कृति के अर्थ का पुनर्गठन, पाठक पर प्रभाव और उसकी प्रतिक्रियाओं का विवेचन होता है। इस तरह एक ओर पाठक समुदाय की बदलती मानसिकता, उधर दूसरी ओर किसी लेखक या रचना की घटती बढ़ती लोकप्रियता सामने आती। यही नहीं, पाठ की अभिरुचि के विकास में रचना की भूमिका और साहित्य के स्वरूप के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका भी स्पष्ट होती है। और इसीलिए बाद में जाकर के रोलां बार्थ ने जब घोषणा की कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब पाठक लेखक का रचना का मालिक हो गया है, लेखक महत्वपूर्ण नहीं रहा, और जो ही लेखक की जगह पाठक महत्वपूर्ण होता है, या जितना पाठक का महत्व है उतना उस कृति की सामाजिकता का महत्व है, और लेखक के लिए तो वो महत्व है ही है, क्योंकि कृति की का महत्व या उसका जो सामाजिक संदर्भ है
वो संदर्भ देने का कार्य पाठक करता। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य की सामाजिकता के साथ उसकी उसका साहित्यिक महत्वपूर्ण महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी आलोचक को या सहृदय को या पाठक को उसकी उसके साहित्यिक गौरव का पता नहीं है तो उसकी साहित्यिकता की उसकी समझ भी उथली रहेगी, और इसलिए साहित्य की साहित्यिकता और उसकी सामाजिकता दोनों का जो सम्मिलित ज्ञान है, दोनों का जो सम्मिलित अनुभव है, वो साहित्य की समाजशास्त्रीय दृष्टि में आता है। कुल मिला करके ये जो अनुभव है, ये चिंतन अभी पश्चिम की देन है, और हिंदी में बहुत कम समाजशास्त्रीय आलोचक हैं जिन्होंने साहित्य के समाजशास्त्र पर काम किया है। समाजशास्त्रीय आलोचना को समझने समझाने का काम प्रोफेसर नगेंद्र, निर्मला जैन, मैनेजर पांडे आदि विद्वानों ने किया है जो साहित्य की दुनिया से आए। इसके अलावा समाजशास्त्र की दुनिया से भी कुछ चिंतक आए हैं जिन्होंने साहित्य के समाजशास्त्र का विश्लेषण किया। इनमें डीपी मुखर्जी, डीडी कोसाम्बी, रोमिला थापर, पूरनचंद जोशी आदि महत्वपूर्ण नाम हैं। इन लोगों ने साहित्य के माध्यम से सामाजिक जीवन का बहुत बारीक विश्लेषण किया। तो ये साहित्य के समाजशास्त्र का एक व्यापक सा विषय है और जिसकी महत्वपूर्ण मूल मूल जानकारियाँ आपको इस लेख के द्वारा, इस आलोक के द्वारा आपको बताई जा रही है।